हमारे चैनल कैच लाइव विद अस में, और आज हम फिर से आ गए आपके साथ एक वीडियो लेकर, और मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी। बहुत सारा सामान है मेरे आसपास, तो आज ये जो वीडियो है ये है बंजारा मार्केट, जो हम गए थे, आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया होगा, हम लोग बंजारा मार्केट गए थे, तो वहां से हमने काफी सारी इतनी सारी शॉपिंग करी, आपको डिग्गी में मैंने दिखाया था। नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके देखो और फिर इसको देखो, है ना, या फिर इसको देख लो पहले, कोई बात नहीं। तो ये सामान हम बंजारा मार्केट से सारा लेके आए हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम क्या क्या सामान लाए हैं और कितने कितने का लाए हैं, तो अगर आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप अगर जाना चाहते हैं आसपास से तो आप जा सकते हैं, और मार्केट अच्छी थी ये मैं कहूंगी, और अब आपको सामान और प्राइस के अकॉर्डिंग आइडिया भी हो जाएगा कि सामान कैसा है और मार्केट कैसी है, आपकी जरूरत हो तो आप जा सकते हैं। और एक बात कहूंगी, हमारी शॉपिंग में ना क्रॉकरी ज्यादा नहीं है, बाकी वहां पे क्रॉकरी भी बहुत ज्यादा मिलती है और बहुत अच्छे रेट पे मिलती है और बहुत अच्छी भी मिलती है ना, तो आप वो भी ले सकते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिया, और हमें डेकोरेटिव आइटम्स की जरूरत थी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पहले इसी के साथ। ये एक डेकोर का ही पीस है और मुझे अच्छा लग रहा था हमारे घर के अकॉर्डिंग, तो ये हम एक लेके आए, आपको दिखाई दे रहा है ये देखो, और ये हमने लिया 300 रुपीज का बार्गेन करके, ये हमें बोला था 800 रुपीज का और हमने बड़े रेट कम कर करके ये लिया हमने वहां से 300 का। ये हो गया हमारा एक पीस। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा नेक्स्ट आइटम वो क्या है, और आप लोग इससे अंदाजा भी लगा सकते हैं। एक चीज और बता दूं, वहां पे क्या है ना, बार्गेनिंग स्किल्स जो है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप अकॉर्डिंगली चीज के अकॉर्डिंग आप बार्गेन करें तो अच्छा रहेगा। और ये एक पीस था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये हमारे थोड़े थोड़े बैग से भी मैच हो रहा है, और ये दो हंसों का जोड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा रेड कलर में, और इसके पीछे भी हमारी बहुत ज्यादा बार्गेनिंग हुई। ये था हमारा, उन्होंने बोला था हमें, मुझे लग रहा है 1800 रुपए का, और हमने बोला था उन्हें बोला हुआ ऐसे ही मतलब 500-600 का, और ये हमने बड़े मुश्किल से 580 पे लिया है ना, हमने बोला था अराउंड 400 के अराउंड है ना, पर वो मानी नहीं, 1200 लास्ट कर रही थी, 1200 लास्ट, तो ये हमें मिल गया 580 में बहुत मुश्किल। और ये एक ही पीस हमें पूरी मार्केट में, जैसे कई जगहों पर ना हाथी कई जगह पर मिल रहे थे, पर ये एक जो पीस है ये एक ही दुकान पे था और अच्छा लगा। आपको बताइएगा 580 के अकॉर्डिंग ये वर्थ इट है या नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे सेकेंड पीस। उसके बाद मैं दिखा देती हूँ ये आइटम, ये है सूप डिस्पेंसर, ये है जिसमें आप साबुन रखते हैं वो, और ये है ब्रश होल्डर, टूथपेस्ट होल्डर। ठीक है, ये तीन का सेट है, और ये तीन का सेट हमें मिला 300 रुपए का, उन्होंने बोला था हमसे 600 रुपए, और 300 रुपए का कोई बार्गेनिंग के साथ हमने इसे प्राप्त किया। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम आ जाते हैं हाथी पे। ओ हाथी तो थोड़ा भारी है, पूना भी चाहिए, तो ये है हमारा हाथी, आप चारों तरफ से इसे देख सकते हैं, और सूंड ऊपर करके भी था और सूंड नीचे करके भी था। सीए साहब ने बोला कि सूंड नीचे करके लो, तो हमने सूंड नीचे करके ले लिया है ना, तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। सारे पीस हमारे डेकोर के अकॉर्डिंग ही हैं, तो ये हमें मिला 600 का, बोला था अराउंड 2000 का, और मिला हमें 600 का। एक लेडी और ले रही थी तो उनसे हमें थोड़ा रेट का आइडिया मिल गया, तो ये हमने 600 का लिया, और ये भी हम अपना नीचे जो हमारा एरिया है उसी में ही कहीं रखेंगे। अभी ये पॉलिथीन में पैक है, इसे खोल लेंगे, है ना, देख सकते हो इसके ऊपर भी ना डिजाइन है, यही रख देती हूँ। उसके बाद ये, चलो पहले ये दिखाते हैं, ये फ्लावर स्टिक, तीन स्टिक ली हमने, और ये तीनों स्टिक आप देख सकते हैं तीन अलग अलग कलर में। अब फ्लावर स्टिक ये है हमारी 100 रुपीज ईच, 100 रुपीज ईच तीन कलर्स में, और इसके साथ इसके लिए हमने लिया था एक फ्लावर पॉट भी ऐसे करके, और ये फ्लावर पॉट है 100, तो आप लगा लीजिए 100 100 100 400 का, ये ऐसे करके सेट बन गया। ठीक है, तो ये हमारा 400 रुपीज का है, ये आई थिंक उन्होंने 300 का बोला था 100 में, और ये भी 200 ईच बोला था 100 में, तो ये हमारा 400 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं ये आइटम, थोड़ा सा ना समझ और समझ, बस हमने ले लिया, बस हमें अच्छा लग रहा था और हमने ले लिया। और इसकी खूबसूरती तो सीए साहब थोड़ा पास से दिखानी पड़ेगी, आप दिखाइए इसकी खूबसूरती। ये ऐसे एक लंबा सा पीस है, ये आईफिल टावर टाइप पीस है, और ये हमने लिया, मुझे लग रहा है हमने लिया 400 का है ना, क्योंकि ये और वो फ्लावर पॉट हमने 500 में लिया था, इसका 400 हमारा फिक्स हो गया था,
और वो हमने 100 का लिया, तो ये हमारा 400 रुपीस का पीस है। ये एक डेकोर का पीस है, ऐसे ही रखा जाना है। आप किसी लाइट के नीचे रखेंगे ना तो इसपे जो क्रिस्टल्स वगैरह लगे हुए हैं वो काफी अच्छे चमकेंगे। तो ये हमारा 400 का पीस है डेकोर के अकॉर्डिंग। उसके बाद लगभग मैंने सब दिखा दिया, अब मैं दिखाती हूँ ये कारपेट है ना, ये हमने लिया 300 का। वहां पे ना सब कुछ मिलता है, आपने वीडियो में देखा होगा, तो कारपेट भी बहुत मिलते हैं। ये कितने का होगा, ये हमें पड़ा, उन्होंने बोला 400 का था, उन्होंने 300 का दे दिया, उससे कम में दे नहीं रहे थे हम, और जगह भी पता कर चुके थे। तो ये हमारा 300 का, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब एक होता है ना क्वालिटी खराब और सस्ती चीज, वो नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, पकड़ने में पता चल रहा है। उसके बाद कुछ चीजें, वैसे चीजें सारी पसंद आई है, पर ये जो दो पीस हमने निकालने वाली हूँ ये भी हमें काफी पसंद आए थे तभी हमने लिए, और मैं निकालती हूँ। बहुत ही अच्छे से भैया ने पैक करे हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा एक पीस, मैं इसको थोड़ा अनरैप कर लूं। ये देखो, ओ आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं पीछे से, ठीक है, और आगे से, ठीक है। तो ये हैं हमारे वो दो पीस जो हमने डेकोर के अकॉर्डिंग ही लिए हैं, और हमें काफी सुंदर लग रहे थे। ये दो मोर बैठे हुए हैं पिलर के ऊपर और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं और कौन सा पीस आपको सबसे अच्छा लगा। ये जो दोनों पीस हैं ये हमें पड़े 1100 रुपए में, बोले थे फिर से मैं बता रही हूँ आपको 2500-2000, मतलब इससे कम तो बोलते ही नहीं किसी भी चीज के। तो ये हमें 1100 रुपए में मिले काफी बार्गेनिंग के बाद। अब हमें नहीं पता कि हम इनको मतलब ठीक लेके आए हैं या महंगा लेके आए हैं, पता नहीं, अगर कोई इससे कम में भी ले सके तो ले सकता है, बार्गेनिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमने 1100 के लिए, और बस हमारी इतनी ही शॉपिंग थी। मुझे लग रहा है कुछ रहा नहीं है और मैंने आपको सब दिखा दिया। अब आप बताइएगा इसमें से आपको क्या सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में, और वीडियो को देखिएगा पूरी, और आपको और कुछ पूछना हो मार्केट के बारे में या फिर किसी भी चीज के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया हमारे इसमें क्रॉकरी का सामान ज्यादा नहीं है, बाकी वहां पे मिलता बहुत है और आप उसमें भी अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो यही था हमारा बंजारा मार्केट की खरीदारी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा, सामान कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।